आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीहोर में बीजेपी व निर्दलीय कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। सीहोर के अहमदपुर थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। साथ ही प्रचार में जुटी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह गांव में संघ के कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी उषा सक्सेना के भतीजे ने उन पर हमला कर दिया, उनसे लूटपाट की और उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के भतीजे के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। यह पूरा मामला सीहोर के गाँव चांदवगढ़ का है। इस सीहोर विधानसभा और पूरे सीहोर जिले से बहुत पहले से परिचित हूँ। मैंने यहाँ संघ का कार्य कई वर्षों तक किया। आज यहाँ संघ के हमारे कार्यकर्ता विनोद जी, उनके माताजी शांत होने के बाद आज उनके हम लोग बैठने गए थे। मेरे साथ और भी अन्य कार्यकर्ता थे। बैठने के बाद जब चांदवड़ जागीर करके गाँव है अहमदपुर के पास, वहां से जब हम लोग नीचे उतरे तो यहाँ के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं यहाँ उषा सक्सेना, उनके भतीजे हैं देवेंद्र सक्सेना, और जग जाहिर है उनके ऊपर कई पुराने आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। और उसी के स्वभाव के चलते हुए उस क्षेत्र में हमारे सामने आके हमारे साथ में जो कार्यकर्ता थे, विशेषकर उन्हीं के गाँव के कार्यकर्ता, उनके साथ उनने मारपीट, छीना झपटी, और हमारे एक हिरेंद्र पाटीदार हमारे कार्यकर्ता थे झरखेड़ा के, उनकी चैन भी गाड़ी में बैठते समय उनने छीन ली। हमारे कार्यकर्ता लोकेंद्र जी, जो मेरा मोबाइल उनके पास था, वो मोबाइल भी उनने छीन लिया, मतलब कुल मिलाकर लूट लिया। और जो हमारी गाड़ियां थी, उन गाड़ियों में पत्थरबाजी करके और गाड़ियां भी डैमेज की, और हमारे जो तीन कार्यकर्ता थे वो घायल भी हुए, उनको चोट लगी है, उनकी FIR भी दर्ज हो गई, लूट का प्रकरण भी दर्ज है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।